नमस्कार नॉनस्टॉप पार्ट 7 को स्वागत करुछि मु शुभश्री। प्रथमे हेडलाइंस स्थिति हेलाडी असंभाल। उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा कले मुख्यमंत्री। समस्त जिलापाल और एसपी उपस्थित। प्रति जिलार स्थिति उपरे कड़ा नजर रखा लगी परामर्श। राज्य को पूरी प्रवासी भय। राज्य मुहां हेलेनी हजार हजार लोक। हॉटस्पॉट साजिपारे अनेक जिला। सेपटे थैथान प्रसंग में सरकार को विरोधी टार्गेट। राज्य में चिंता बढ़ाऊ कोरोना। दैनिक संक्रमण 5000 मुहां। सीमावर्ती जिले में लगुनी ब्रेक। सेपटे बीएमसी में लगला कटकणा। कालीठ बंद समस्त धार्मिक अनुष्ठान। करोनार बढ़ी चली काया। बातिल हेला आईसीएसई दशम परीक्षा। सेपटे मैट्रिक परीक्षा नहीं सीएम को भेटिले छात्र छात्री। निष्पत्ति जून प्रथम सप्ताह। हाइदर फेरार घटनारे दुई गिरफ। कनेस्टबल मोहम्मद मुसीम और संबलपुर जेल रो वार्डर शिवनारायण नंद गिरफ। उभय को गिरफ कला मंगलाबाग थाना पुलिस। सीमा टपिला मानसिक आर्थिक ऑफिस निर्यातना। संबलपुर विश्वविद्यालय में आत्महत्या उद्यम कले कर्मचारी। वरिष्ठ अधिकारी विरोध में अभियोग आणिले पुओ। कोविड साजिला बाधक। बिना भक्त गड़ा रुकुणा रथ। कोविड कटका मध्य संपन्न है रथ टणा। बलवत्तर 144 धारा। सेवायत भक्त निराश। आसवा संपूर्ण खबर को। स्थिति हेलाणी असंभाल। राज्यर कोरोना स्थिति नहीं एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। बैठक में समस्त जिलापाल और एसपी उपस्थित थे। प्रति जिलार स्थिति उपरे कड़ा नजर रखा लगी परामर्श देछंती मुख्यमंत्री। राज्य में कोविड मुकाबला लगी समस्त सहयोग कामना करिछंती मुख्यमंत्री। पर्याप्त परिमाण शज्या और ऑक्सीजन गच्छित रखा लगी मुख्यमंत्री निर्देश देछंती। अनेक राज्य को प्रभावित करिछि कोरोनार द्वितीय लहर। देशर अनेक सहर में कोविड संक्रमित को संख्या बढ़ुवर स्थिति है गंभीर। अनेक राज्य में कोविड टीकार अभाव देखाई हेले ओडिशा रे टीकार अभाव नहीं मुख्यमंत्री। आईसी अभियान जारी रखा को परामर्श देते मुख्यमंत्री। लोकमान कोविड सचेतन लगे मिशन शक्ति गोष्ठी और पंचायतराज प्रतिष्ठान सदस्य को दायित्व देवाक मुख्यमंत्री निर्देश देते। कोविड नियम को सारा राज्य में कड़ाकड़ी करने लगे मुख्यमंत्री निर्देश देते। राज्य को पुणी प्रवासी भय। पुणी राज्य मुहां हेलाणी प्रवासी। गुजरात दिल्ली महाराष्ट्र राजस्थान छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु भली 12 राज्यरु एबे प्रवासी माने फेरी आरंभ कले। प्रथम लहर बेले राज्य को फेरीथिबा प्रवासी मानक पाई कोनोसी रोजगार व्यवस्था न करबा फळरे सेमानकु पुणी थरे काम पाई अन्य राज्य को जिबाकु पड़िला। एपरिकी एबे फेरीबा बेले पुणी टेंशन बढ़िबार संभावना नै राज्य सरकार टेंशन रे। टेंशन बढ़ाइबे प्रवासी। राज्य को फेर 12 राज्य प्रवासी। गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र दिल्ली उत्तर प्रदेश केरल छत्तीसगढ़ तमिलनाडु तेलंगाना रु टेंशन नहीं फेर प्रवासी। राज्य में कोरोना स्थिति हो पारे भयानक। सूरत रु एवं प्रवासी मैंने फेर आरंभ कर धीरे धीरे गंजाम टेंशन सरकार को घारी। तेज राज्य सरकार एवं सुधा द्वितीय लहर में प्रवासी मानों कौन व्यवस्था करना जो राज्य में भयावह अवस्था सुनिश्चित बोली विरोधी अभियोग। अंपटे प्रथम लहर में राज्य को फेरी प्रवासी मानू कर्मसंस्थान जगई देवाक राज्य सरकार फेल मार। टेस्ट कर रोग अच्छी ना ना कोरोना अच्छी ना ना जदि बाहर नवीन बाबू संभाली पार नहीं भुशुड़ी जीव सटन खाली लॉकडाउन कले हबनी तलु चीप आग जो मैंने प्रवासी ओडिया को आग देख किए भितर रुग्ण अच्छी ट्रिटमेंट कर तापर प्रवेश करा ना गोटा पे शह शहीज सब स्थान मुहा श्रमिक होती पुणी सेड़शा मुहां होती निज भिटामाटी मुहां होती तेरे ओडिशा सरकार वर्तमान दायित्व बनुची जे ओडिशा बाहर जो श्रमिक माने ओडिशा फेरुछंती पाई रहिबार व्यवस्था सेमानंक समस्त श्रमिक मानक टेस्ट करिवार व्यवस्था तांकर खाइबा पीवार व्यवस्था ए व्यवस्था गुरुतर सह राज्य सरकार को करबा को पड़िबो।
पूर्व थर भाई राज्य सरकार प्रवासी मान सठिक ढंग से मैनेज करने प्लान बीजेडी प्रथम लहर बेले राज्य सरकार सठिक परिचालना राज्य को 10,07,330 प्रवासी ओडिशा फेरी परिस्थिति से भयानक होता एथर मैं व्यवस्था कर राज्य सरकार प्रवासी मान प्रति सजग दृष्टि रखापी कई जो मैंने आसिले से क्वारंटाइन में रही है से कथा का निष्पत्ति करापर तक टेस्टिंग आम टेस्टिंग भी मुझे देखुची मोर तो अंचल मुझी पर दिन आम आशा करूँ जो मैंने महाराष्ट्र आम ओडिशा भितर राउरकेला किमर गुजरात आरल बेंगलुरु ये सब जगह जो मैंने आसवे छत्तीसगढ़ युवक जो हाई प्रिभेलेन्स कॉविड अच्छी से तो टेस्टिंग निश्चय से सिक्लूडेड रखिक टेस्टिंग कर कोविड प्रथम पर्याय राज्य को पखापाखि 10,07,330 प्रवासी ओडिशा फेरी सर्वाधिक प्रवासी सूरत आसता बेले गंजाम पलटि जाता हटस्पट गंजाम को पखापाखि 3,00,000 प्रवासी फेरी बेले गंजाम स्थिति होता भयानक प्रथम लहर में केवल तीन राज्य तमिलनाडु केरल गुजरात 8,53,770 प्रवासी ओडिशा फेरी भुवनेश्वर सरोज मल्लिकों रिपोर्ट एनबीसी न्यूज। आज भिस्टुनाइट्र आलोचना रही बढ़ला फेरंता चिंता आलोचन भाग ने मनस्तत्वविद प्रफेसर डॉक्टर अमृत पाटजोशी सामाजिक कर्मी सुदर्शन छोट्राय और स्वास्थ्यकर्मी जगन्नाथ चाटार्जी राज्य में चिंता बढ़ाउछि कोरोना दैनिक संक्रमण 5,000 मुहां राज्यर सीमावर्ती जिलागुड़े संक्रमण बढ़ुथिबारु सेठारु आसुथिबा लोकंक द्वारा राज्य में कोरोना आक्रांतक संख्या बढ़ुछि बोली कहिछन्ति आईएलएस निर्देशक अजय परिडा। सेपटे भुवनेश्वर संक्रमितक संख्या बढ़ुथिबारु आसंता कालिठारु समस्त धार्मिक अनुष्ठान साधारण लोकंक दर्शन पई बंद रहिबो। संक्रमण चिंता बढ़ाइला खोर्धा और सुंदरगढ़ अनेपटे 100 उपरे 7 जिला गत 24 घंटे राज्य 4,761 जन संक्रमित चिन्हट होती खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 820 आक्रांत चिन्हट होती सुंदरगढ़ 673 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले नुआपड़ 534 जन संक्रमित चिन्हट होती राज्यर सीमावर्ती जिला गुड़िकरे संक्रमण बढ़ुथिबारु सेठारु आसुथिबा लोकंक द्वारा राज्य में कोरोना आक्रांतक संख्या बढ़ुछि बोली कहिछन्ति आईएलएस निर्देशक अजय परिडा। छत्तीसगढ़ संक्रमण राज्य संख्या बढ़ाइबारे प्रमुख कारण लोके अमानिया हेबारु भी संख्या बढ़ुछि तबे पंजाब महाराष्ट्र में जो म्यूटेशन में व्यापुछि ओडिशा रे से म्यूटेशन रो प्रभाव नाही बोली कहिछन्ति निर्देशक। ब्राजिल और दक्षिण आफ्रिकार स्ट्रेन एजाए राज्य में देखा मिले ना बर्तमान देश में जो संक्रमण व्यापुची तानोटी म्यूटेशन कह मैंने छत्तीसगढ़ रो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट गुड़ा अच्छी से इन्फेक्शन बेसी आरंभ होगा तेणु ऑब्वियसली आमर ये इन्फेक्शन टा छत्तीसगढ़ रो कांटेक्ट जो आसी जमीन प्रेडिक्ट करते महाराष्ट्र में पीक हो गला पर कमी महाराष्ट्र बढ़ी बढ़ी चलती दिल्ली भी सेम सेम सिचुएशन आम फॉर्चुनेटली ओडिशा रे पर्यंत से ब्राजिल कि साउथ अफ्रीका अन्य कौन स्ट्रेन आसेने आ जो मुझे जो आम यूके स्ट्रेन कि डबल म्यूटेंट तार परसेंटेज बहुत कम अछि लेस देन 3% ऑफ परसेंटेज देखिबे। सेबरे खोर्धा जिले रे दैनिक संक्रमण शीर्ष रे रहछि गत 24 घंटा रे खोर्धा जिलारु 820 जन आक्रांत चिन्हट होइछन्ति भुवनेश्वर भी संक्रमित संख्या खूब अधिक रहछि तबे बीएमसी पक्षरु कोरोना कटकणा कड़ाकड़ी करा जाइछि भुवनेश्वर महानगर निगम उपरे नजर रखा जाइछि संक्रमण चेन भांगिबा पई धार्मिक अनुष्ठान बंद रखिबा पई निष्पत्ति नेइछन्ति बीएमसी कमिश्नर आसंता कालिठारु समस्त धार्मिक अनुष्ठान साधारण लोकों दर्शन पर बंद रहिब केवल सेवायतों द्वारा नीतिकांति करबे बीएमसी एभली निष्पत्ति को स्वागत कर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रे नाउ ऑनवर्ड्स किसी भी ड्यूटीज मानकरो प्रवेश करा जीवो नहीं ओनली सब जगह जो नॉर्मल रिचुअल्स अच्छी मंदिर हो चर्च हो कि मस्जिद हो नॉर्मल रिचुअल्स कंडक्ट करा जीवे ड्यूटीज मानकर प्रवेश को हमें बैन करेछु फॉर द टाइम बीइंग और तापरे जिते बड़े हमार किछि सिचुएशन रे इंप्रूवमेंट आसीबो ता पूरे ये विषय रे किछि हमें रिलैक्सेशन होबो कि कोन होबो तापरे निष्पत्ति नियै
कोरोना विरोध में चली महा मुकाबला सेपटे लगुनि चेन रे ब्रेक भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट कृपा सिंह महापात्र सरोज मल्लिक और सुभाष प्रधान रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। अनिश्चितता घेरे दशम परीक्षा कोविड संक्रमण पर परीक्षा स्थगित थिबा बेले वर्तमान पर्यंत परीक्षा हेबो कि नाही से नै बाहरी पारुनी निष्कर्ष जहाँकने दशम श्रेणी परीक्षा नै नवीन निवास छात्र छात्री 50 रु ऊर्ध छात्र छात्री नवीन निवास अभिमुखे जाई निजर दाबी जणाईछंती। मंत्री को पाखरु संतोषजनक उत्तर न पाइबारु मुख्यमंत्री को भेटी दाबी जणाईथिले छात्र छात्री। नवीन निवास गले दाबी जणाइले परीक्षा बातिल पई गले अनुरोध दाबी पूर्ण नहले आंदोलन पई देले चेतावनी एबली किछि दृश्य देखिबा को मिलिछि। नवीन निवास सम्मुखरे मैट्रिक परीक्षा बातिल ने प्रथमे गणशिक्षा मंत्री को भेटबा परे नवीन निवास दाइथिले छात्र छात्री राज्य रे कोरोना स्थिति को दृष्टि रखी परीक्षा को स्थगित रखिछंती राज्य सरकार। सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा बातिल परे छात्र छात्री नेइछंती पदक्षेप स्थिति उद्वेगजनक थिबा बळे राज्य सरकार परीक्षा को बातिल करबा परिवर्ते स्थगित रखिछंती फलरे छात्र छात्री को भविष्य अंधार घेर को चली जाउछ बोली कहिछंती छात्र छात्री। आमे माने मिस्टर अमर सीएम को फर्स्ट आमे धन्यवाद जणाउछु कि ये कोन बातिल हबा उपर अछि समस्त भी कहलेनि जे जण भी कॉल करछन ये करछन तो प्रथमे आमे सीएम को धन्यवाद जणाउछु आ तांको टिके आमे अनुरोध करछु जोटा भी नियंत निष्पत्ति डिक्लेरेशन जल्दी करंतु बातिल रो डिक्लेरेशन टा जल्दी करंतु। बीएससी हे सरतला एबे आईसीसी हे सरलानी आज सखळे आईसीसी रो न्यूज पळे आसलानी किंतु एचएससी किछि पदक्षेप नउनी जदि आपण जदि किछि से पदक्षेप ननला 48 घंटा भितरे आमे जीवु निश्चित बातिल हेले तो बहुत खुशी बातिल नहले बहुत बुझुथे निश्चित बातिल हवा दरकार जो कि मानने सरकार सबूठी मानने आडभांस डिसीजन नौचंदी एटा टिके लेट हैला आज एत मानने छुआ रास्ता को ओल्लैले कि नवीन निवास गले जहाँ भी हैला तो बातिल सरकार को एत की रिक्वेस्ट जे बातिल हे जाऊ सेपटे घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती गणशिक्षा मंत्री से कहिछंती परीक्षा रे मुख्यमंत्री जून प्रथम सप्ताह रे निष्पत्ति नेबे वर्तमान राज्य रे कोरोना स्थिति परिवार लागिछि तेणु एदिगरे समीक्षा पर निष्पत्ति नियाजब बातिल हेबो कि नहीं से सब दिग उपरे तर्जमा कर जाउछि जदि बातिल हेले केमिति मार्क दियाजब सेने मध्ये चिंता करा जाउथबा मंत्री कहिछंती। लेखिकि देइछंती तांकर लेखा मूल उद्देश्य होछि परीक्षा को बातिल करा जाउ तो माननीय मुख्यमंत्री जून मास प्रथम सप्ताह स्थिति को विचार करी कौन करा जीवो उचित तेणु तादरे आपण टेन्थ एवं ट्वेल्थ दुईटा परीक्षार निष्पत्ति आमे खूब शीघ्र ए संपर्क जहाँ निष्पत्ति ना कथा नौ प्रथम सीबीएसई और आईसीएसई दशम परीक्षा उपरे लागिला रोक से बीएससी परीक्षा बातिल नहीं मुंड टेकुची आंदोलन। भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट कृपा सिंधु महापात्र सुभाष प्रधान एमबीसी न्यूज। बातिल हेला आईसीएसई दशम परीक्षा कोरोना पई बातिल हेला परीक्षा संक्रमण को दृष्टि रे रखी सीआईएसई रो निष्पत्ति एप्रिल 16 तारीख रे परीक्षा स्थगित पई निष्पत्ति होतला एहा परे आज परीक्षा को बातिल करबा पई निष्पत्ति होची। अन्यपटे आईएससी द्वादश परीक्षा स्थगित रहिची हेले परीक्षा केबे हेबो सेने होइनी कोनो निष्पत्ति। पुरी जिले में कोविड संक्रमण संख्या हजार टपिता बेले रेड जोन रे प्रवेश करी जिला गत पांच दिन में संक्रमितों संख्या दुईगुण हो जिला प्रशासन पक्ष कड़ा पदक्षेप नेबा आरंभ हो प्रशासन कोविड नियंत्रण पदक्षेप को सेवायत महल रे स्वागत करा बेले स्वास्थ्य भित्तिभूमि को अधिक प्रस्तुत रखा सह प्रशासनिक स्तर में आहरी कड़ा पदक्षेप ने दावी हो पूरी जिला एवं कोविड संक्रमण रेड जोन रे आज संक्रमित संख्या 193 होता बेले समुदाय सक्रिय संक्रमित संख्या 1177 पहुंची पांच दिन मध्य संक्रमित संख्या द्विगुणा हो जिले में कोविड स्थिति संगीन हो जिला प्रशासन पक्ष नुआ कोविड केयर सेंटर आईसीयू कार्यक्षम करा सह श्रीमंदिर सेवायतों स्वतंत्र कोविड केयर सेंटर प्रतिष्ठा कर ऑलरेडी गोटे सर्वे कर देछु अराउंड 35 जन हमारा अच्छा जिले जो मैंने कुंभ मेला फेरी समस्त को हमारा हेल्थ स्टाफ टच कर समस्त को होम आइसोलेशन रहा कहुई सिम्टम डेवलप हेल्ले टेस्टिंग करा
ता छड़ा सेवायत माने जो माने फेरी चंदी तंकर आमे प्रायोरिटी रे टेस्टिंग भी कराई दउछु हमारा कोविड हॉस्पिटल फंक्शनल अछि वर्तमान आईसीयू 15 बेड फंक्शनल अछि कोविड केयर सेंटर रे अराउंड 500 बेड फंक्शनल अछि ई सेवायत मानंकर पय आमे डेडिकेटेड गुटे आइसोलेशन सेंटर डेवलप करूछु नीलांचल भक्त निवास रे ता छड़ा आमर एम्बुलेंस नेटवर्क भी बलो रोबस्ट अछि रैपिड रिस्पोंस टीम भी अछंती होम आइसोलेशन को मॉनिटर करवा पाई भी सफिशिएंट स्टाफ अछि कोविड केयर सेंटर आमर नीलाचल भक्त निवास आइडेंटिफाई होई छि ताको आमे रेडी करू छु सब प्रकार सब आनुषंगिक सुविधा सहित सो दैट दिने दुई दिन भीतर सेटा फंक्शनल है 21 डबल बेडेड रूम रहू छि जो हिसाब रे पाखा पाखी 80 प्लस रा अकोमोडेट करियो डबल ऑक्युपेंसी रेट रे प्लस हमर 6 डॉर्मिटरीज अछि जोतरे पाखा पाखी 40 जन को अकोमोडेट करियो सो मिनिमम 120 पर्सन को डबल ऑक्युपेंसी पर रूम हिसाब रे यदि धरिबा आमे 120 जन पर्यंत अकोमोडेट करि पे एबे पुरी जखमा और संक्रामक हॉस्पिटल 130 बेड थिबा कोविड स्वास्थ्य केंद्र चलिथिबा बेले एठारे बंद होई पडिथिबा 15टी आईसीयू बेड को पुनर्बार कार्यक्षम करा जायछि सेहिपरि गोपबंधु आयुर्वेद कॉलेज रे बंद होई पडिथिबा कोविड हॉस्पिटल को पुनथरे कार्यक्षम करा जायछि नीलाचल भक्त निवास को 120 सज्जा विशिष्ट कोविड केयर सेंटर रे परिवर्तन करा जायछि जिला रे समुदाय 482 बेड थिबा कोविड केयर सेंटर पुरी सह कोणार्क निमापड़ा और ब्रह्मगिरी रे प्रस्तुत करि रखा जायछि सेहिपरि कोविड कटकणा लागू करिबा पई जिला पुलिस पक्षरु सहर को 10टी सेक्टर रे भाग करा जाइ चढ़ाउ जोरदार करा जाउछि एबे दुई दिन रे तो हमें धन्यवाद देउछु पुरी वासी को हमको तो 100% समर्थन मिलीछि आज राति रे हमें खोजुचु डिफॉल्टर को लेकिन एपर्यंत हमें किस कहा को फाइन राति रे करले नहीं बट हमारा 10टा स्क्वाड भूलू चंती मोबाइल स्क्वाड भूलू चंती हमें धन्यवाद दउचु और आशा करूचु से भलिया ही कोऑपरेशन हमें फ्यूचर रे भी पाइबो ई परिप्रेक्षी रे एथि कहा जे परे वर्तमान जहां चली छे साकु समस्त मान्यवा दरकार एवं प्रशासनिक स्तर रे टिके चिंता करे दरकार जे सेवा तवन जे उपकृता वर्तमान दिनो दिनो लोक आसीबा कमी चली छे से माने केमती तांकर केमती थैथान टिके खाइपी बंची रहिबे सेतिपे मते टिके प्रशासन तरफ नजर करे परिस्थिति भल रहा और सेवा मान को भोक विकल ताटिया कामना पर बाहर पड़ आसुँच जोटा नक क्या करती बारण करा मत सरकार तरफ जो व्यवस्था रहा हाँ पूरी जिले में आप देखिए कोरोना द्वितीय लहर बेले सरकार जो पदक्षेप नौता संपूर्ण भाव में विफल होती प्रथम लहर बेले जो भाई भाव में कंट्राक्ट ट्रेसींग होता जमी आम संगरोध रखुले जो मैंने आशा कराला जो मान को कोरोना पॉजिटिव तांको विभिन्न सरकारी डाक्तरखाना चिकित्सा दिया होतला से चाहेबे चार चारटा कोविड केंद्र खोला होतला पुरी शहर रे एबे बतन किछि नाही कोरोना पॉजिटिव जे होजु त कहउजन तमे घर जाय संगरोध रुह घर संगरोध रहिबो किमिति एबु ता गोष्ठी संक्रमण हबो कि न हबो किमिति हम देखिबे जो माने मुदला आसुची काली त मुदला आसला मुदला बेल हला कोरोना पॉजिटिव रे मुदला आसला बेल हला पता कोले संगरोध तमे घर जाय रहिबो तमे से जगह को अंचल बस्ती अंचल बस्ती अंचल रे संपूर्ण भाव रे गोष्ठी संक्रमण होवा पई जाउची रेड जोन रे पहुंचीतिबा पुरी जिल्ला रे कोविड स्थिति संगीन हेतुबारु प्रशासनिक स्तर रे तत्परता प्रकाश पाइछि अन्य पक्ष रे कोविड कटकणा को कड़ाकड़ी पालन करबा को जिल्ला प्रशासन पक्षरु निवेदन करा जाइछि पुरी रु रणजीत मिश्रांग रिपोर्ट एमबीसी न्यूज राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबार हॉस्पिटल पाई गाइडलाइन जारी कले राज्य सरकार उभय सरकारी और घर हॉस्पिटल पाई जारी होइछि एही गाइडलाइन मेडिकल जमी हॉटस्पॉट न पलटिबो सेथिपाई कड़ा तागिद करा जायछि प्रत्येक हॉस्पिटल ले अलग ज्वर और आइसोलेशन क्लिनिक करने को निर्देश दिया जायछि हॉस्पिटल आसुथिबा सबु लोकों को स्क्रीनिंग करा जेबा को निर्देश एहा छड़ा हाथ धुआ व्यवस्था और सानिटाइजर रखा को गाइडलाइन रे राज्य सरकार उल्लेख करिछंती हॉस्पिटल कौन सेक्शन रु पॉजिटिव बाहर तुरंत बंद करा जेबो से सेक्शन रो अन्य रोगी को अन्यत्र नियाजिबो रूम खाली करा जेबो रूम सानिटाइज करा जाय 24 घंटा बंद रखा जेबा को निर्देश दिया जायछि आसेबा परवर्ती खबर को पवित्र अशोकाष्टमी अवसर रे श्री श्री लिंगराज महाप्रभु को रुकुणा रथ शांति श्रृंखला सह संपन्न होछि लिंगराज को सबु नीतिकांति सरिला परे अपराह्न 4:20 मिनिट समय रे रथ टणा आरंभ होइतिला बिना भक्तों को उपस्थिति रे रथ टणा होइतिला विशेष करी सेवायत और पुलिस कर्मचारी माने रथ टाणीथिले बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद चौधरी डेपुटी कमिश्नर अंशुमान रथ विधायक अशोक चंद्र पंडा प्रमुख रथ टणा समय रे उपस्थित थिले लिंगराज मंदिर ठारु मौसीमा मंदिर पर्यंत 144 धारा जारी करा जायतिला
रथटा समय बीएमसी पक्षर पा सिंचन कर ब्राह्मण निजोग समितर संपादक रथटा कार्य नियोजित होते बिना भक्त रथजात्रा हो घर छात उपरू भक्त मैंने रथ दर्शन कर गतवर्ष रुकुणा रथ हो पार नाला आप जानते आम करोना परिस्थिति समस्त जाऊे आम ये हो पार आम समस्त सेवायत मन दुख था जाऊ ठाकुर आमर दुख शुणिले एवर्ष प्रभु लिंगराज आशीर्वाद रुकुणा रथ है प्रशासन सहयोग कला सबुठ बड़ सहयोग सेवायत मोर सेवायत भाई मैंने करो से निकट बहुत कृतज्ञ ठाकुर आज रथ में बसिक बर्तमान रथ भी गढ़ला भक्त भगवान अलग रथ टणा केवल सेवायत पुलिस ग्रहण में सामाजिक भाई ये ग्रहण जहाँ जो पिस्थित जो आसान मुकबिला कर आर वर्ष यही सब से रथ बंद जहाँ सरकार आंतरिकता सरकार सीमा टपिला मानसिक आर्थिक और ऑफिस निर्यातना संबलपुर विश्वविद्यालय जड़े चुक्तिभित्तिक कर्मचारी करिछंती आत्महत्या उद्यम गुरुतर अवस्था रे दीनबंधु मिश्र को बुर्ला मेडिकल रे भर्ती करा जाय छि गोटे पटे काउंसिल बैठक बसिथिबा बेले अन्य पटे से करिछंती आत्महत्या उद्यम संबलपुर विश्वविद्यालय रे खुद कर्मचारी को आत्महत्या उद्यम पेट्रोल ढाली देहरे निया लगाई देले विश्वविद्यालय अस्थायी कर्मचारी दीनबंधु मिश्र गोटे पटे काउंसिल बैठक बसिथिबा बेले अन्य पटे कठोर पथ बाछि नेथिले दीनबंधु दीर्घ दिन धरी मानसिक आर्थिक संकट रे गति करथुबा दीनबंधु को गुरुतर अवस्था रे बुर्ला मेडिकल रे भर्ती करा जायछि तांकर एभली अवस्था पई केवल विश्वविद्यालय वरिष्ठ अधिकारी दायी बोली अभियोग करिछन्ति तांको पुओ घटना संबलपुर यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष ऑनरेबल वाइस चांसलर संजीव मित्तल रजिस्टर सीताराम पटेल इमानकर मानकर माने विगत जन सत्य प्रीवियस वाइस चांसलर सोलसो मॉर्निंग रे वाइस चांसलर का स्लैंग लैंग्वेज यूज कर गाली गलोच कर जन तार संगे कोर्ट ऑर्डर मानक नहीं फॉलो करवार किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर मानक फॉलो नहीं करवार किसी भी जन के वर्ष लड़वा हो सेतिर लागि एक्सटेंड स्टेप नै छ तार बहुत गोटे ग्रीवांसेस आम कहि छि एज एडवोकेट से मते बहुत सेयर कर छि तार लास्ट टाइम से कोन कर छि ना गोटे कंटेम्प कोर्ट कर छि कर छि हाई कोर्ट रे तंका प्रॉब्लम ला से एक्चुअली डिस्टर्ब माइंड थिला ड्यू टू माने तार अथॉरिटी ऊपर से जो जते बळे से लास्ट टाइम कोन तार तंका यूनिवर्सिटी से कहि छि से ये सही कटुतला तंका दरमर ये सही कटे किंतु ये सही डिपॉजिट कर नै से फाइट करी 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 लास्ट अथॉरिटी एई 5-6 मास भितरे से ये सही को एगलाइज करचंती आ पॉजिटिव रिपोर्ट करथि जने तोरिया कर्मचारी को कथा को गुरुतर भाबे न नेबारु एभली अभावनीय घटना घटी गला बोली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ संपादक कहचंती ए संपर्क रे वरिष्ठ अधिकारी को सह आलोचना करा जाई परवर्ती पदक्षेप निया जीव बोली से कहचंती तो फोन माध्यम रे हमर पूर्वतन संपादक दिलीप कुमार बरपंडा खबर देले जे दीनबंधु मिश्र सेल्फ इमोल्यूशन रा स्टेप लेइ छि आ से प्राय जड़ी जाइ छि 90% पर से माने त एथिको आनी साइड थिले ए कैजुअलिटी को बुल्ला हिंसा रो त कारण कोन त गुण पचारिबा कोन कि जानि पालिन जे आजर हटात कारण कोन हला जे से चरम पदक्षेप लेइ छि दीनबंधु एबे बुल्ला मेडिकल ले चिकित्सित हेउछन्ती तांको अवस्था संकटपूर्ण रही संबलपुर अमलेन्दु नायक रिपोर्ट एमबीसी न्यूज कटक एसीबी रु कुख्यात गैंगस्टर हाइदर फेरार घटनारे पुलिस कार्यानुष्ठान दुई जन को गिरफ्त कला मंगलाबाग थाना पुलिस हाइदर फेरार दिन ड्यूटी रे थिबा कनेस्टबल मोहम्मद मोसिम समेत पुलिस अन्य जने कर्मचारी को गिरफ्त करिछि हाइदर को फेरार करायबारे दुई को भूमिका थिबा पुलिस कहिछि कनेस्टबल मोहम्मद मोसिम सह जेल वार्डर शिवनारायण नंद को गिरफ्त करिछि मंगलाबाग थाना पुलिस हाइदर फेरार मामलें पुलिस एबे सुधा सात जन को गिरफ्त कला एप्रिल 10 तारीख में गैंगस्टर हाइदर कटक एसीबी रो सर्जरी वार्ड कैबिन रु फेरार हो जाइतिला किन्नर तारा साहू हत्याकांड घटनार पर्दाफाश करिछि कटक मालगोदाम थाना पुलिस गत मार्च मास 31 तारीख राति रे मालगोदाम अंचल रे अभियुक्त प्रताप दास उर्फ बंकुली टंका कारबार को नै
माड़मारी देहरे किरोसिन ढाली निया लगाई देथिला। गुरुतर अवस्था रे ताको एसीबी मेडिकल भर्ती करा जायतिला आउ गत एप्रिल 9 तारिख रे चिकित्साधीन अवस्था रे तारा साहूर मृत्यु होइतिला। तबे एही घटना बाबद रे तारार भौणी मालगोदाम थाना रे एक मामला रुजु करथिले। तारार मृत्यु परे पुलिस एहा को नै एक हत्या मामला रुजु करबा परे प्रताप को गिरफ करिबारे सफल होची। गत 3 वर्ष हेबो उभय प्रताप एवं किन्नर तारा लिव इन रिलेशनशिप रे रहुतिले। तबे तारा रोजगार करी टंका कमाई आनिबा परे प्रताप ताठारु सब टंका मारधर करी नै ऑटो किस्ती सुजिबारे खर्च करिथाय, जाकु नै उभय को मधरे बारंबार गंडगोल लागुथिला। शेषे टंका कारबार को नै ही तारा को हत्या करा जाइछि बोली कहिसेंती कटक जोन 1 रो एसपी। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବଙ୍କୁଲି ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରତାପ ଦାସ, ସିଏ ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ସିଏ ମାଲଗୋଦାମ କୋର୍ଟ ଡିପୋଜ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ 31/3/2021 ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବଙ୍କୁଲି ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରତାପ ଦାସ ଚବୁ ଆଲିଆସ୍ ତାରା ସାହୁଙ୍କୁ କିରୋସିନ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। समय से सोचे नॉन स्टॉप 7 को एट रखुचु। नमस्कार।